फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। देवानंद, लेट देवानंद जी का आज जन्मदिन है। अगर वो जिंदा होते तो 95 ईयर्स के होते, यानी कि जिसे जितने साल के अभी दिलीप कुमार साहब है। देवानंद मेरे फेवरेट है, नो डाउट। मैंने हमेशा कहा है नाना पाटेकर, राजेश खन्ना, इवन देवानंद भी दिल में रहते हैं मेरे। मैं इन्हें पसंद इसलिए करता हूँ कि ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने अपने समय से आगे की सोच के बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाई है। उसमें से एक है हरे रामा हरे कृष्णा, जिनको जिस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। कई और फिल्म है, जय लतीफ़ है, कई बढ़िया बढ़िया फिल्मों में काम किया है, कमाल की फिल्मों में काम किया है। इनकी अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म जो किसी को भी लगी होगी, मुझे नहीं पता, मैंने जो देखी है, मैं मेरी राय बताता हूँ, लेकिन सबकी भी वही बेस्ट होगी। गाइड 1965 में आई गाइड ने इनका एक एज एन एक्टर इन्हें एक वो इज्जत बख्शी, वो मुकाम हासिल करवाया जो शायद ही इन्होंने भी सपने में सोचा होगा। वो फिल्म अगर आप देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, ईमान क्या है, सब कुछ। गाइड वन ऑफ माई फेवरेट। मैं चाहता हूँ आपको कि आप कभी वक्त मिलेगा ज़रूर देखिएगा, देख सकते हैं। 26 सितंबर 1923 में जन्मे थे, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में। मैं यहाँ पे आज उनकी लाइफ स्टोरी बताने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं जो बताऊँगा वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए अगर आप ज़्यादा नहीं जानते इनके बारे में। तो नवकेतन फिल्म से 1949 में फाउंड की थी। ये जब आए थे मुंबई तो शायद फ्रंटियर मेल से आए थे, पंजाब पंजाब साइड से, और उतरे थे मुंबई सेंट्रल। 30 रुपये थे जेब में और था कि भैया कुछ कर दिखाना है शहर में। और जो शहर के नहीं होते और जो शहर के लिए बाहर से आते हैं इस शहर में, उनको मुंबई बहुत कुछ देती है, क्योंकि वो एक सपना लेकर आते हैं। कुछ और जॉब्स किए देवानंद ने, फिर फिल्मों के लिए अप्रोच किया, प्रभात फिल्म्स में लगे, और वहाँ पे उनकी दोस्ती हुई देवानंद की गुरुदत्त साहब से। तो इन दोनों ने प्रॉमिस किया था, हम दोनों में से कोई भी अगर कुछ भी बन जाएगा तो भैया हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो जब देवानंद की एक बड़ी फिल्म है 1951 में आई थी, जिद्दी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डायरेक्ट की थी गुरुदत्त साहब ने, और स्टारिंग थे उसमें, हीरो थे देवानंद साहब। ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनमें हीरो डायरेक्टर इस तरह से रह चुके हैं। कमाल की इनकी जोड़ी थी गुरुदत्त साहब से। एनीवेज, आज यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि बॉलीवुड लाइफ ने इनके 10 गानों की एक लिस्ट तैयार की है, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ, और मेरा फेवरेट्स कौन से है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। एक, हाँ देख सकते हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ये कभी भी गाना देखना, जब आप जिंदगी से मायूस हो जाओगे, आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो ये गाना ज़रूर देखना। मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, दिल का बहुत करे फुकार, तेरे घर के सामने से गाना है, छोड़ दो आजकल ज़माना क्या कहेगा। ये देवानंद साहब का मधुबाला के साथ फिल्माया गया गाना है, ज़रूर देखिएगा, पेइंग गेस्ट, कमाल की फिल्म है यार। फिल्में होती थी ना 50s के दौर में होती थी यार, 50s और अर्ली 60s, अदरवाइज फिल्में बॉलीवुड की कहाँ आजकल कुछ बनती है यार। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाइड फिल्म का गाना है, कमाल का। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना, बहुत बढ़िया। हरे रामा हरे कृष्णा मतलब बाप फिल्म था, अपने टाइम का बाप फिल्म, 1971 में आई थी। ये दिल ना होता बेचारा तो कदम ना होते आवारा, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। जय लतीफ, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताओ किस तरह से पल पल तो मुझे याद आती। ये जो है ना, ये पोस्टर ये उसी गाने का है, ठीक है। बहुत बढ़िया फिल्म है। और प्रेम पुजारी का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, बढ़िया गाना है, देखना कभी, खोया खोया चाँद। इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, आई थिंक इस फिल्म को मिला था या देवानंद साहब को, आई थिंक मिला था, खोया खोया चाँद, बहुत बढ़िया फिल्म, काला बाजार। और 10वें नंबर पे है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पर आएगा। 16 साल फिल्म देखी है मैंने। इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नूतन है साथ में, मोनिश भेल की मम्मी, कमाल की फिल्म थी। यानी कि इसमें से लगभग लगभग मैंने फिल्म देखी है उनकी, तो आप समझ ही गए होंगे मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ देवानंद साहब का।
और ये रही फिल्म का एक पोस्टर है, यहाँ पर NFAI ने डाला है, लिखा है कि एवरग्रीन स्टार देवानंद चार्म द ऑडियंस विद हिज अर्बन स्वेट स्टाइल एंड कैरिज्मेटिक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस। ही को फाउंडेड नवकेतन फिल्म, जो मैंने आपको बताया 1949 में इन्होंने खुद की प्रोडक्शन हाउस खोला था विद एल्डर ब्रदर चेतन आनंद, और चेतन आनंद इनके बड़े भाई थे। चेतन आनंद का नवा घर एक फिल्म 1946 में आई थी, नीचा नगर, सॉरी नीचा नगर फिल्म है, वो जरूर देखना चेतन आनंद की। द ब्रदर ट्रैव मेड ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फिल्म फ्रॉम अंडर द ब्रदर। चेतन आनंद कैसे फिल्म डायरेक्ट किए देवानंद के लिए, और कमाल की फिल्म है उसमें से एक, आई थिंक राही फिल्म का एक यहाँ पे दिखाया गया। NFI ने ट्रिब्यूट दिया है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, यहाँ पे फिल्म हिस्ट्री पिक्स ने डाला है। यहाँ पे इनकी शादी हुई थी कल्पना कार्तिक से, जो सामने राइट साइड में आपको नजर आ रही है, और ये आई थिंक उनका बेबी है। और हिंदी सिनेमा मोस्ट कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी फॉर जनरेशन एवरग्रीन, ये यार 60-65 की एज में भी एज ए हीरो परफॉर्म करते थे, और कोई ये नहीं कह सकता था कि भैया कि एज कितनी है देवानंद साहब की, जो आज कहते हैं ना ये हीरो वाले दिखता ही नहीं उतनी एज का है, भाई ये था भैया, ही इज एवरग्रीन सुपरस्टार। जब प्रॉपर इनके स्टाइल में आ जाते थे, एक गले में एक स्कार्फ जैसा बांधते थे, या दल लड़की लोग मतलब दिल अपना हार जाते थे। ठीक है देवानंद साहब, एक सेकेंड में देवानंद साहब, देवानंद सिंह अगर टाइप करूंगा तो उनका एक लुक आई थिंक जिस तरह का रहता था वो आ जाएगा, जो मैं लुक दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ आपको। हाँ ये जो लुक है ना, ये लुक देखिए, ये लुक और ये लुक है ना, फर्क नहीं लगेगा आपको। ये जो एक गले में इस तरह से एक छोटा स्कार्फ बांधने की जो इनकी कला थी, जो टोपी, माँ कसम मतलब लड़कियाँ फिदा हो जाती थी। ये देखिए ये भी, हाँ थोड़ा उसी तरह का लुक है, मैं आपको वो लुक मैंने दिखा दिया है, और कोई लुक होगा तो प्रॉपर। ये देखिए ये भी स्कार्फ बांधे हुए, ये इनका आदत है गले में स्कार्फ बांधने का, ये पहले से थी और लास्ट तक थी। और ये देखिए, तो यार देवानंद साहब एवरग्रीन स्टार थे। इनके मरने से पहले कुछ इंटरव्यूज़ थे जहाँ पर उन्होंने साफ कहा था कि मेरे मन में बहुत सारी कहानी चलती है, और मैं चाहता हूँ कि फिल्म बनाओ उस पर काम करता रहो, जैसे कि ये उसमें से एक है देखिए। तो यार ये कमाल का ही, मैं क्यों इनके बारे में बात करूँ, ये ना केवल एक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, कई सारी फिल्म बनाई, उनको फिल्में बनाना पसंद था, मतलब असली जो एक फिल्म मेकर, असली जो एक फिल्म प्रेमी थे वो थे देवानंद साहब। और आई थिंक थोड़ा सा वक्त बचा होगा तो मैं कुछ और चीज़ों, हाँ कुछ और चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ। आई थिंक उनके एक डायलॉग है, एक दो डायलॉग है जिनके बारे में आई थिंक बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ओपन किया है top 10 मूवीज़ फिल्म lifelesson.com, ये देखिए इस पर लिखा है, और ये डायलॉग एकदम एंड में आता है फिल्म में, गाइड फिल्म में, बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही बढ़िया डायलॉग, और देवानंद साहब की द बेस्ट फिल्म। न सुख है न दुख है न दीन है न दुनिया है न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं। देवानंद साहब जब अपनी अंदाज में बोलते तो कमाल है, ये दुनिया नहीं ये दुनिया है, ठीक है तो कन्फ्यूज़ मत होना। और ये उसी फिल्म का एक और डायलॉग है, लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी पर मज़ा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही। बढ़िया बढ़िया फिल्म, बढ़िया फिल्म। और एक और डायलॉग यहाँ पर दिया है, जॉनी बुरे काम तो करता है लेकिन ईमान से, मौत का ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है, ये भी ये आई थिंक ये वो फिल्म का, आई एम नॉट श्योर एकदम। जुआ खेलना एक है, एक पागलपन है, और असली जुआ खेलने वाले वाला खिलाड़ी होता है, जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसका नसीब भी उसे कोसने लगता है। ये देवानंद साहब है भाई, फिलोसफिकल कमाल के, मतलब ये देखिए ना कितने बढ़िया है, कितनी बढ़िया बात कह दी कि जो भैया अपने नसीब को कोसता है नसीब उसको कोसता रहता है। जब औरत का दिल टूटता है तो वो अपनी सारी ज़िंदगी उन टुकड़ों को बांटने में खराब कर देती, खर्च कर देती है, और जब मर्द का दिल टूटता है तो वो अपनी सारी ज़िंदगी उन टुकड़ों को समेटने में, सच्चाई की लड़ाई में मरने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है। बहुत 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 बहुत, जली के दीवार को, जेल की दीवार को तोड़कर भाग जाना आसान है लेकिन प्रेम और दोस्ती की दीवार को फांदना नामुमकिन है। और इंसान बड़ी चीज़ के लिए किसी वक्त भी छोटी चीज़ को छोड़ देता है। अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बात कही है मतलब देवान साहब ने, मे बी मैं शायद आपके वक्त को मे बी ख़राब किया होगा, जिसने अभी तक वीडियो देखा होगा ये वाला, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना ये था कि जो हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में बड़े बड़े दिग्गज नहीं रहे, तो ये उन दिग्गजों में थे, ये दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, ये सब थे एक टाइम पे यार, जब फिल्म इंडस्ट्री धमाका करती थी, एक से एक फिल्में बनाती थी, एक से गाने होते थे, और ये जो दौर था 50s 60s का, जब ये सब बढ़िया अपने मुकाम पर थे, टॉप पर थे, तो यार इनकी फिल्में बोलती थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।
हम बस यही विश करते हैं हमेशा हमेशा कि देवानंद जी लोगों के ख्याल में जिंदा रहे, क्योंकि देवानंद एवरग्रीन एक्टर है। चलिए फिलहाल कितना ही।